लगता है शायद इस बार कैंडिडेट देख के वोट करने वाली है। नहीं तो अगर ऐसे पार्षद हों जो इलाके में नजर ना आए तो ये कालकाजी खत्म हो जाता। भगवान तो सबका भला करते हैं, इंसान भला कर रहा है या नहीं कर रहा जिसको जिम्मेदारी दी थी? जिम्मेदारी अच्छा काम किया है। क्या मुद्दे क्या है यहाँ पर, काम होते हैं? मुद्दे होते हैं जो गलियां 6-6 महीने तक खराब पड़ी हुई हैं। क्या है पब्लिक का 10 साल हो गई है, देखो सामने पानी भरा रहता है, मच्छर का काफी है। मेन मुद्दे हमारे हैं स्ट्रीट लाइट, अब यहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। नमस्कार, आदाब, हाजिर मैं फिर एक बार, मैं हूँ सैयद मुबशिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। एक बार फिर आया हूँ वार्ड नंबर 175 में जानने क्या है पब्लिक का मूड। तो आइए मेरे साथ और जानते हैं क्या है समस्याएं, क्या है मुद्दे, निगम पार्षद ने कितना क्या काम, कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल। तो इस वक्त कालकाजी के सुभाषखंड में मौजूद हैं हम और यहाँ जानेंगे पब्लिक का मूड, क्या देखते हैं, क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से चुनाव होने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर जनता किसको वोट करने वाली है और क्या क्या इनके स्थानीय मुद्दे हैं। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं एक बार क्या है पब्लिक का मूड। रोशन सिंह राणा, और रोशन क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ पर इस बार निगम पार्षद के चुनाव में? यहाँ के यही हैं, सफाई हो और थोड़ा अच्छा से सड़कें बने, गलियाँ अच्छी हो जाए गोविंदपुरी की। कूड़ा वगैरह उठता है? कूड़ा पहले तो नहीं उठता था, अब थोड़ा अच्छा हो गया है, इलेक्शन पास आ गए। और क्या क्या है पूर्व पार्षद ने काम वाम किया यहाँ पे? हाँ, काम तो सभी करते हैं बट थोड़ा सा। मूड क्या है जनता का, कौन कौन पार्टी है आपको नॉलेज में है? जनता शायद इस बार कैंडिडेट देख के वोट करने वाली है, देखिए क्या होता है हमारे लिए। ओके, तो कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं क्या यहाँ पे? शायद लग रहा है। हाँ ओके, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अभी पूर्व पार्षद थे 5 साल 8 महीने, अभी थोड़ा डिले हुआ इलेक्शन, उससे पहले क्या यहाँ काम होता था, सफाई होती थी, कूड़ा उठता था, सारा काम होते थे या नहीं होते थे? काम तो सारे ही होते थे बट ये है कि पहले थोड़ा स्लोली होते थे बट अब होने लग गए अच्छे से, जल्दी होने। हाँ जल्दी होने लग गए। हाँ कूड़ा उड़ जाता है, साफ सफाई रहती है, साफ सफाई रहती है। क्या काम हुआ है इस बार, मूड क्या है पब्लिक का? मूड ठीक है, काम तो होता है, साफ सफाई का तो हो रहा है काम, हो रहा है। हाँ काम होता है, झाड़ू वाड़ू लग रही है टाइम से। ये अब लगनी शुरू हुई चुनाव के टाइम पे या पहले भी लगती थी? नहीं लगती है, पहले से ही टाइम से उठता है यहाँ पे। हाँ हाँ उठा लेते हैं, उठा लेते हैं। तो पूर्व पार्षद से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? नहीं फिलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बीजेपी है या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? नहीं हम तो बीजेपी के ही सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के। हाँ जी हाँ जी। तो आपको लगता है फिर बीजेपी आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। सफाई नहीं होती है, क्या क्या मुद्दे क्या क्या है? जस्ट सीवर का हो गया, सफाई का हो गया, कूड़े का हो गया, काम होता है यहाँ पे? अब जैसे गलियों गोविंदपुरी में हम रहते हैं, वहाँ तो कोई कूड़ा काड़ा नहीं उठता, कोई आता नहीं है, जमादार सफाई भी नहीं करता वहाँ पे। पूर्व पार्षद ने कोई काम नहीं किया? अब काम किया ही, जो आप पूछ रहे हो मैं वो बता रहा हूँ कि वो कूड़ा काड़ा नहीं उठता वहाँ पे, नहीं उठता है ना। तो इस बार मूड क्या लग रहा है बदलाव का? इस बार तो यही नजर आ रहा है, जैसे माहौल देख रहे हैं आज का, बदलाव ही नजर आ रहा है, बदलाव नजर आ रहा है। काम हुआ है, हुआ है, हुआ है। कौन क्या लग रहा है अभी आपको, क्या क्या किसका जोर है, क्या लग रहा है बदलाव का मूड है या पूर्व पार्षद को दोबारा लाएंगे? सर इस बार फाइट तो वैसे बीजेपी और आम आदमी के, लेकिन चांसेस आम आदमी के लग रहे हैं, आम आदमी के लग रहे हैं, आम आदमी के चांसेस लग रहे हैं। केजरीवाल उसके पीछे क्या वजह लग रही है? वजह कुछ नहीं है, मतलब इसको भी चांस मिलना नहीं है केजरीवाल को, इसको भी थोड़ा चांस मिलना चाहिए, इसको चांस मिलना चाहिए इसको। अच्छा मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ में, कूड़ा उठ रहा है, सफाई उठ रही है, थोड़ी ये रोड की प्रॉब्लम है, कहीं कहीं रोड बड़ी टूटी फूटी है, वो ठीक नहीं हुई अभी, उस वो पूरा कहीं कहीं जगह में नाले की सफाई होती है, वो हो रही है, सीवर नाले की सफाई हो रही है, सब हो रही है, हाँ हो रही है, हो रही है। बाकी इसको चांस मिलना चाहिए केजरीवाल को, हमारे हिसाब से मिलना चाहिए और ये चांसेस। पार्षद के चुनाव में मुद्दे बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत अहम होते हैं, चाहे वो कूड़े की बात हो, चाहे साफ़ सफाई की बात हो, चाहे वो झाड़ू लगने की बात हो या फिर नाली सीवर साफ़ करने की बात है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, यहाँ पर ये वाटर पाइपलाइन है जो पूरी तरह से टूटी हुई है और एक हफ्ते से यहाँ पर लगातार रोड पर बह रही है जिसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब इलाके के लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट की है तो उनका ये कहना है कि अब जो भी होगा चुनाव के बाद होगा, मतलब पानी की बर्बादी किस तरीके से होती है। केजरीवाल सरकार 2000 लीटर मुफ्त जरूर दे रही है लेकिन बर्बादी किस तरीके से हो रहा है वो आप देख लीजिए, ये यहाँ के अधिकारियों का हाल है। ये कब से टूटा हुआ है? एक हफ्ता हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोगों ने कंप्लेंट की? कंप्लेंट करी, वो कह रहे जय कह रहा कि 4 तारीख के बाद होगा ये। हाँ अच्छा, पार्षद के चुनाव हो, क्या लग रहा है माहौल, क्या है पब्लिक का मूड, क्या है पब्लिक का मूड? देखो जी वो तो पब्लिक के ऊपर की बात होती है, नहीं फिर भी एक नाराजगी की लहर। वैसे
केजरीवाल को, केजरीवाल तो अब बेकार ही है हम तो कहते हैं। हाँ ऐसा क्यों? वो काम हम देख ही रहे हो, आप आपके सामने देख रहे हो ना क्या हाल है। अच्छा हाँ, ये काम सामने है तो इस वजह से उठते नहीं है हमारे यहाँ साले, कूड़े उठते नहीं, हफ्ते हफ्ते रह जाते हैं, कूड़े उठते नहीं हमारे यहाँ, कूड़ा भी यही पड़ता है सामने, कूड़ा भी सामने तो अभी तो साफ सुथरा दिख रहा है। आज उठाया, एक हफ्ते से पड़ा था कूड़ा, आज ही उठा कूड़ा। हाँ और क्या क्या मुद्दे हैं वैसे? उनको बोलो जो सफाई करने वाले आते हैं उनको बोलो, वो कहते भाई हमारा काम नहीं है। सफाई करने वाले का काम नहीं है तो किसका काम है कूड़ा उठाना? सफाई करते हैं वो कहते हैं हमारा काम नहीं, हमारा इलाका नहीं है। इधर कभी अलग होता है, इधर कभी अलग होता है, ऐसे ही करते हैं लोग। अच्छा यहाँ तो पार्षद ने काम नहीं किया ना, कोई काम नहीं करा पार्षद ने ना जी। आप बताएं आपको क्या लगता है, अभी कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, या होता है नहीं? नहीं होता है काम, नहीं होता। झाड़ू लगता है सुबह बस बस, कूड़ा वगैरह टाइम से उठता है? हाँ कूड़ा तो उठ जाता है वहाँ से। मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर, मूड क्या है पब्लिक का? ऐसे ही है, बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही है। बीजेपी जीते थे। पूर्व पार्षद कौन है यहाँ पे, बीजेपी से कौन सी पार्टी से? बीजेपी से, बीजेपी से। हाँ। तो इस बार वो भी फिर आएंगे दोबारा? हाँ आएगी दोबारा, आएगी वही आएगी। तो यहाँ पे मूड लोगों का, पब्लिक का मूड है, ये जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ मूड बदलता भी रहता है, कुछ महिलाएं भी साथ में। मैम क्या लगता है साफ सफाई होती है यहाँ पे, कूड़ा वूड़ा उठता है टाइम से? नहीं उठता है, नहीं टाइम से नहीं उठता, नहीं उठता, गैप हो जाता है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे शॉप किए? मुझे 3 साल हो रहे हैं। 3 साल हो गए। साफ सफाई नहीं होती है? होती है, ऐसा नहीं मतलब ऐसे कि पूरी तरीके से नहीं, जैसे होना चाहिए, जैसे रोज होना चाहिए वैसे नहीं, वैसा नहीं। मुद्दे क्या है अगर हम बात करें तो, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आप लोगों के? ये काम होना चाहिए पार्षद, ये काम नहीं करते, क्या जी, काम जी, बिल्कुल। साफ सफाई का है और कंटिन्यू कूड़े लेके जाना है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है डेली साफ सफाई का अगर काम डेली नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हालात खराब ही होंगे, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है। मैम क्या लग रहा है आपको इस बार बदलाव होगा, मूड क्या है पब्लिक का? ये क्या कर रहे हैं भैया, बताइए तो आप, क्या कह रहे हैं, मतलब इस बार मूड क्या है पब्लिक का, मूड क्या लग रहा है आपको, कि किस तरीके से साफ सफाई होती है यहाँ पे? पहले कूड़ा वूड़ा उठाया जाता है? कहाँ होती है, सब तो गंद खाना ही तो है, सब गंद खाना है यहाँ पे। और क्या, कूड़ा वूड़ा टाइम से नहीं उठता? उठता है, मैंने बताया जितनी गंदगी अभी है, जितनी सफाई, इतना कूड़ा हर जगह है, वो तो साफ नहीं होती। चलिए थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पर लेकर है सर, अब आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी सी यहाँ के साफ सफाई का आलम क्या है। ये पानी का पाइप टूटा हुआ है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, और इस पानी का पाइप से ये पूरा इलाका पानी से भर रहा है। यहाँ पर ये जो आने जाने वाले लोग हैं दिक्कतें उनके होती है, जब कंप्लेंट की गई तो जेई साहब ये बोल रहे हैं कि चार दिसंबर को जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ये चीज़ें ठीक होंगी, तब तक आएंगे। अब ये पानी का आलम देख लीजिए, पूरा रोड पानी से भरा हुआ है, गंदगी कूड़ा सब कुछ साफ साफ दिख सकता है। यहाँ पर सफाई कैसे होगी अगर पानी भरा रहेगा, इस बात का अंदाज़ा आप और लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानने की और कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या मुद्दे और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो आम लोग जिससे परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ सुभाष खन 256। आपको क्या लगता है अभी मुद्दे क्या क्या हैं, पार्षद के चुनाव चल रहे हैं? मुद्दे यही हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। होता है? नहीं होता है। और दूसरा ये है, ये जो पार्टी इस समय जो दिल्ली में है वो सीनियर सिटीजन के लिए जो पेंशन बांधी हुई है, 3-3 महीने की पेंशन रोक रखी है। क्यों भाई, आप तो अपने पल्ले देते नहीं है, आपको केंद्र देता है, आपको सीधा हमको दे देना चाहिए जैसे आती है। 3 साल से नहीं दे रहे, 3 साल से नहीं मिलती है, अब वो कब भेजेंगे कोई पता नहीं, रुक के आती है, लेकिन आती है, आती है, आती है। हाँ कूड़ा वगैरह साफ सफाई होती है यहाँ पे? नहीं कूड़ा वगैरह, हाँ सफाई हो जाती है, सफाई हो जाती। पर ये है कि इस बार मूड क्या है पब्लिक का, मूड क्या है पब्लिक का? मूड साहब पब्लिक जाने हमें इस बार वैसे ही रहेगा, चेंज होगा या? हम तो कहते देखो चेंज हो पब्लिक चेंज करेगी, हम तो चेंज कर नहीं सकते कहीं, अभी भी तो पब्लिक तो आप ही हो ना। हाँ बिल्कुल, हम तो चेंजिंग में तो पहले तो चेंज अपने आप से शुरू होता है। हाँ चेंजिंग करेंगे, बिल्कुल चेंजिंग करेंगे, चाहते चेंजिंग, हाँ चेंजिंग चाहिए हमें यहाँ पे। ऐसा कोई एक काम या दो काम ऐसा जो आप लोग पार्षद से चाहते हो लेकिन पार्षद ने नहीं किया हो? पार्षद निगम पार्षद की आप छोड़ो, हम तो आप MLA का बता दें सर, पार्षद के चुनाव हो रहे हैं अभी, पार्षद को बताइए, जब MLA का होगा तब वो भी जानेंगे आप। पार्षद में कुछ ऐसा है कि जो नहीं किया हो और आप लोगों ने उनसे कहा हो? हाँ उन्होंने वादा किया था, समझे, निगम पार्षद में वादा नहीं MLA में वादा किया था। सर आप फिर MLA पहुंच गए, मैं कह रहा हूं पार्षद की बताओ, अभी तो पार्षद है ही नहीं वो, जिन नहीं है ना। हाँ बस उससे पहले 5 साल तो थे ना वो पार्षद, तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया? हाँ जो यहाँ पार्षद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया।
16 साल है। साफ सफाई होती है, कूड़ा वूड़ा उठता है यहाँ पे? होता है यहाँ पे। काम किया है पार्षद ने यहाँ पे पहले? हाँ। अब इस बार क्या लग रहा है, कौन आएगा इस बार, कौन आएगा, क्या लग कौन आएगा पार्षद कौन बनेगा आप पता को चलाओ मालूम पड़ा है। अभी आप कितने टाइम से? मैं तो यहाँ पैसा दिल्ली के अंदर 44 साल हो गए। हाँ। काम हुआ या इस वार्ड में साफ सफाई होती है? अरे साफ सफाई तो होती है, कम होती है, उतनी सफाई नहीं हो रही जितनी पहले हो करती। क्या मुद्दे, क्या क्या कूड़ा उठना ये सब होता है? हाँ कूड़ा उठता है, कभी कभी नाक छोटी भी हो जाती है, कभी बात कहते हैं उठता भी है ऐसा ही। इन साल देखो इन साल या तो केजरीवाल आएगा और भाई बीजेपी के दोनों ही टक्कर बराबर की है, देखो क्या कौन पैसे केजरीवाल उम्मीदवार बन रही है। हाँ कहाँ से किससे करें? पार्षद नहीं आते यहाँ पे, वो कोई नहीं आता। अच्छा आप इस बार पब्लिक का मूड क्या है फिर? एक चीज बताओ, ये इतना बड़ा पेड़ हो रहा है जी। इसके ऊपर चमगादड़ रहते हैं और जब वो हम बैल्कनी में खड़े हों तो वो हमारे ऊपर को आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसकी शिकायत की कहाँ करें? वो अपने हमें तो पता नहीं कि भी किस पार्षद जैसे यहाँ पे आप लोग जो चुनते हैं वोट डाल रहे हैं तो कुछ मुद्दे तो होंगे ना आप लोगों के? कोई नहीं आते। इस बार मूड क्या है फिर? अब देखते हैं अभी मतलब वक्त लगेगा, अभी देखते हैं, 8-10 दिन है, अभी 8-10 दिन है जिस जो जैसा होगा। चलिए अभी वक्त है, थोड़ा सा देखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, इस पेड़ की शिकायत हो रही है कि इस पर चमगादड़ रहते हैं, लोगों की जो बालकनी है और ये यहाँ पर आते हैं, दिक्कतें होती हैं, चमगादड़ यहाँ पर होते हैं, लेकिन निगम की तरफ से यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर रहते हैं, साफ़ सफाई की बात करें तो अमूमन झाड़ू कभी लगती है कभी नहीं लगती, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है। मान लीजिए झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई होती है यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे इलाके में। हाँ होती रहती है। होती है? हाँ अच्छा, होती रहती है, जमींदार कर जाते हैं बीच बीच में। हाँ उड़ा उड़ा टाइम पे उठता है? ना ना पर उठा लेते हैं, उड़ा रहता है, उठा के ले जाते हैं, ले जाते हैं। जय जाते। क्या साफ सफाई वगैरह होती है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल होती है, होती है यहाँ पे। हाँ क्या लग रहा है इस बार पब्लिक का मूड क्या है, चेंज होगा या वही रहेंगे? कैसे? वही बीजेपी का ही है यहाँ पे ज्यादा, बीजेपी का ज्यादा है। हाँ अच्छा, बीजेपी का ज्यादा क्यों है, कोई वजह? काम अच्छा, बहुत अच्छा किया पब्लिक के साथ रहे, इसलिए काम किया है बीजेपी ने, इसीलिए पब्लिक बीजेपी के साथ है। 15 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया बीजेपी को एमसीडी में, इन्होंने कहते हैं कि एमसीडी के स्कूल हों चाहे नालियां हों सड़कें हों उस तरीके से अभी पूरे तरीके से काम नहीं किया गया, आरोप तो आम आदमी पार्टी बहुत सारे लगाती है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी उस लिहाज से ठीक है या खराब? पॉलिटिक्स में ये होता रहता है, आरोप चलते रहते हैं, लेकिन मूड क्या है बीजेपी? हाँ कालकाजी में तो बीजेपी है, बीजेपी है। हाँ यहाँ पर बीजेपी के लोग ज़्यादा हैं और ज़्यादा उसको पफा कर रहे हैं कि यहाँ पर काम होता है। मिली जुली प्रतिक्रियाएँ हैं क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब साफ़ सफाई की बात आती है, जब चीज़ों की बात आती है, सड़कों की बात आती है, नालियों की बात आती है, आदमी उसी लिहाज से काम जो है अपना कैंडिडेट चुनता है जो उनके बीच में रहता है या उनको उनके लिए काम करता है। आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि उनकी क्या है समस्याएं और क्या है मुद्दे उनके। कालकाजी का ये राम मार्केट का इलाका है या पूरी मार्केट है, अमूमन यहाँ पर जो कप प्लेट्स और उस तरीके के जो आइटम वगैरह वो बिकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और सामने ही कूड़ेदान है, फिलहाल कूड़ेदान में कूड़ा नज़र तो नहीं आ रहा है क्योंकि इलेक्शन के चलते यहाँ पर क्या है स्थानीय मुद्दे और किस तरीके से लोग यहाँ बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की है। लक्की भाई अब यहाँ पे पार्षद ने पिछले 5 साल में काम किया पहली बार? पिछले 5 साल में हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल भी, और उससे पहले जो हमारे निगम पार्षद रहे 15 साल उनकी वजह से, उनके विकास की वजह से आज कालकाजी जिंदा है। अच्छा। नहीं तो अगर ऐसे पार्षद हों जो इलाके में नज़र ना आए तो ये कालकाजी ख़त्म हो जाता। मुद्दे क्या क्या हैं अगर मैं बात करूँ? मुद्दे आप एनक्रोचमेंट देखो बाहर रोड पे, मेन रोड पे देखो, ठीक है। आप पीछे नाला जा रहा है, नाले के ऊपर बुजुर्ग जब चलते हैं कई बार हम चल रहे हैं और हम नज़र नहीं आया हमारे को, तो वहाँ पे उनके ढक्कन नहीं है, अगर आप जाके पीछे देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं। ये मार्केट के अंदर ही है? मार्केट की बैक साइड की लेन। अच्छा, पे उसके अलावा आप रोड पे जा रहे हैं, रोडें सही नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, लोगों को पास पानी नहीं आ रहा, कूड़ा नहीं उठता, कूड़ा झाड़ू लगती है, कूड़ा नहीं उठता इलाके के अंदर। मेन मुद्दे हमारे हैं स्ट्रीट लाइट, अब यहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है इस पूरे मार्केट में। आप देखो इधर इतना, ये बहुत अहम बात है कि इतना बड़ा एरिया है और किसी भी पोल पर एक भी आपको स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आएगी।
मार्केट शाम कितने बजे खुलती है मार्केट? मार्केट हमारी खुलती है 9 बजे तक। 9 बजे तक? हाँ। 9 बजे रात तक अगर मार्केट खुलती है और सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, सारा ब्लैक हो जाता है, तो दुकानदारों को अपनी लाइटों से काम चलाना पड़ता है। बहरहाल सड़क पर स्ट्रीट लाइट किस तरीके से लगनी चाहिए और किसकी जिम्मेदारी है आप खुद जानते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। नाराजगी ज़्यादा है लोगों में यहाँ पे? नाराजगी बहुत है, और इस बार जो हमारे 3 टाइम्स काउंसलर रहे हैं खविंदर सिंह कैप्टन जी, इस बार हमने उनको लेके आना है। तो मूड एकदम बदला है इस बार? बदलाव, भारी बहुमत से जिताना है। बदलाव बिल्कुल, बदलाव है इस बार, इस बार बिल्कुल बदलाव है। हमें शॉप भी आप ही की है? ये शॉप मेरी है। अंकल जी से बात कर ले, कौन पिताजी हैं आपके? कौन है? मेरे फ्रेंड है। अच्छा, फ्रेंड है। शॉप ओनर्स की सबसे अहम भूमिका इस बात को लेकर होती है कि जो मार्केट में लोग आते हैं वो रोड सड़कें इंक्रोचमेंट ज़्यादा ना हो, और दूसरी तरफ साफ सफाई हो, तो शायद मार्केट ज़्यादा अच्छी चलेगी, कस्टमर ज़्यादा आएंगे। आपको लगता है साफ सफाई क्या होती है यहाँ पे? डेली नहीं होती? कभी कभार होती है, डेली नहीं होती। नहीं होती है डेली? तो उसकी वजह से कस्टमर्स में कुछ दिक्कत है आपको? होती है, नेचुरली होती है, बदबू आती है कई दफ़ा, कूड़ा नहीं उठाया जाता, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है जी। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में साफ सफाई नहीं होगी तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि 5 साल में अगर पार्षद यहाँ पर नज़र नहीं आए तो स्थानीय लोग इस बार कहीं ना कहीं अपना मन बनाते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार पब्लिक का मूड क्या है? पब्लिक का कांग्रेस है। कांग्रेस है? हाँ। पक्का? पक्का जी, कैप्टन साहब हमारे। कैप्टन साहब? हाँ, पक्का। तो इस बार यहाँ से इस मार्केट की तरह तो लग रहा है कांग्रेस का जोर ज़्यादा है। तो बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि किसका जोर है, कौन पास होगा और कौन फेल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मार्केट की बात करें तो साफ सफाई को लेकर जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पर लोगों की शिकायतें हैं कि गाड़ियाँ पार्क होती हैं, रोड को इंक्रोच किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो पब्लिक आती है, जो कस्टमर्स आते हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। दूसरी अहम दिक्कत कि इतनी बड़ी मार्केट है और एक किसी भी एक भी पोल पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल ज़रूर बनता है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करें। भाव जी, क्या लग रहा है इस बार पब्लिक का मूड क्या है? पब्लिक का मूड बहुत ठीक है। अच्छा, मूड ठीक है? हाँ हाँ। चुनाव में क्या लग रहा है, बदलाव है या फिर वही? इस टाइम कोई पता नहीं लग रहा, कोई पता नहीं लग रहा, कोई पता नहीं। ऐसा क्यों, मार्केट में बैठे हैं आप? लहर आ जाए तो हमारी पार्टी की आ जाए। अच्छा, ठीक है, बाकी तो ऐसे ही है। देखो, भगवान भला करे सबका। भगवान तो सबका भला करते हैं, इंसान भला कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको जिम्मेदारी दी थी? जिम्मेदारी अच्छा काम किया है, केजरीवाल कर रहे हैं। मिली जुली पति क्या है, लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और वो भी चीजें कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, कहाँ रहते हैं आप? यही आगुनबरी। क्या मुद्दे क्या है यहाँ पर, काम होते हैं? मुद्दे होते हैं जो गलियाँ 6-6 महीने तक खराब पड़ी हुई हैं, एमएलए साहब काम नहीं करते हैं। मैं एमएलए की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप उस टॉपिक पर जाएं। मुझे पार्षद का चुनाव है, पार्षद ने कुछ काम किया या नहीं किया? पहले यहाँ का जो पार्षद था वो कभी आया नहीं, ठीक है। अब दूसरा जो नए पार्षद आ रहे हैं यहाँ, चंद्र प्रकाश जी, वो इस गोविंदपुरी में चमक करेंगे। अच्छा। ये हमारी उम्मीद करेंगे क्या, वो तो वादे हैं, किया क्या है वो बताइए। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम करा है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, इस बार ये नया चित्र नया जुड़ा है हमारे लिए, नया जुड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए नया जुड़ा है, देखते हैं। चलिए, वादे और इरादे कैसे हैं, वादे भी नेक होते हैं और इरादे भी नेक होते हैं, लेकिन कितना भी है। जी लकी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, जो पहले का निगम पार्षद था हमारे यहाँ पे, अभी जो चल रहे हैं रिसेंटली जो थे वो बाहरी थे। अच्छा। और अभी बाहरी से मतलब कैसे? मतलब वो हमारे इलाके के नहीं थे। अच्छा। बाहर से आके जैसे पैराशूट एंट्री। तो मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारे को लोकल बनना चाहिए। ऐसी बात है, स्थानीय मुद्दे हैं तो लोकल लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। छोटा इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन नहीं है। अगर हमारी सड़कों पे कूड़ा है, हमारी सड़कें टूट रही हैं, तो मोदी जी या मनमोहन सिंह जी नहीं आएंगे यहाँ पे। सही बात। हमारे लिए यहाँ पे जो हमारा लोकल कैंडिडेट है वही हमारे लिए काम करेगा। तो हमारे को पैराशूट नहीं चाहिए यहाँ पे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कालका जी वार्ड नंबर 175 से जो अन्य पार्टी से जो कैंडिडेट हैं सब भारी हैं। सब बाहर के। एक बड़ी समस्या है, पार्टियों को सोचना भी चाहिए कि यहाँ पर जो है लोग जो बाहर से आते हैं तो स्थानीय समस्याएं जो हैं उनकी वो उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस बार क्या है। सरदार जी, आप बाहर निकल के आए थे, मैं मिस कर गया आपको। आपको क्या लग रहा है इस बार की बदलाव है या क्या मूड क्या है पब्लिक का? जो पब्लिक अब जो देखेगी, जिसको फैसिलिटी जो ज़्यादा ऑफर देगा पब्लिक, तो उसी को ऑफर। किस चीज़ की ऑफर दे रहे हैं जो अब आपके सामने? नहीं, जो ऑफर कहने का मतलब है जो वादे कर रहे हैं चुनाव के वादे। हाँ, तो ऐसे बोलिए ना, ऑफर देने का तो ऑफर का मतलब कोई दूसरा समझते हैं, डबल हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जो वादे चुनाव के हैं, वादे तो हर नेता करता है कि भाई मैं ये कर दूंगा, ये बना दूंगा, कुतुब मीनार खड़ा कर दूंगा, लेकिन होता कितना है? अब जो पूरे करेगा, जो कितने साल से इस मार्केट में है? हमारे तो हो गया जी 30-35 साल। स्ट्रीट लाइट कब से नहीं है खंभों पे? ये तो नहीं है जी, काफी दिन शुरू से ही नहीं है। पार्षद ने काम किया यहाँ पे? पार्षद से तो अभी देखो जी, इस तरफ किसी का
होती है। हाँ इतना तो हुआ ही है। सही बात है, हम सिर्फ पब्लिक से जानते हैं कि भाई आपके मुद्दे क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, दैट्स ऑल। नहीं नहीं ठीक है जी, जो हमारे मुद्दे हैं वो फिर जाके मिलते हैं पार्षद जी से, जो बातचीत करते हैं वो करते ही हैं। चलिए आने वाला वक्त बताएगा। खैर पब्लिक का मिली जुली प्रतिक्रियाएँ हैं, मिली जुली आशाएँ हैं। यहाँ पर ये मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है, इस मार्केट में हज़ारों लोग रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, हर चीज़ की यहाँ पर मार्केट देखने को मिलेगी, ग्रॉसरी आइटम से लेके आपको फल फ्रूट की सबसे अहम मार्केट मिलेगी। और अगर आप खाने पीने का सामान बेचते हैं, मंडी है, अगर वहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा यहाँ के दुकानदारों को भुगतना पड़ता है, और दूसरी तरफ यहाँ जब जो कस्टमर आता है अगर वो गंदगी है तो वो भी यहाँ पर कम होगा, जिसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर इस बार काम हुआ है, साफ़ सफाई होती है? नहीं होती, नहीं होती। देख लो सामने का क्या हालात है, तुम खुद ही देख लो ना, साफ सफाई नहीं है, काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। इस बार मूड क्या है पब्लिक का? फिर 10 साल हो गई है, देखो सामने पानी भरा रहता है, का मच्छर है, का काफी है। अच्छा, कुछ बहुत रहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए साफ सफाई नहीं होती? नहीं होती सर, कुछ भी नहीं है। तो मूड क्या है इस बार पब्लिक का, बदलाव या फिर बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए बदलाव होना चाहिए, तो वक्त का तकाजा भी है कि बदलाव भी ज़रूरी होता है। ये मंडी है कालका जी की, जब आप गोविंदपुरी से आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी और अच्छी मंडी दिखेगी। फिलहाल यहाँ साफ़ सफाई सी लग रही, लेकिन हम उन्होंने इससे पहले कभी आते तो इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती थी। ये चुनाव की वजह से साफ़ सफाई ज़्यादा है या पहले से होती आई है? ऐसी रहती है। तो ये कराता कौन है, पार्षद कराते हैं, मंडी वाले खुद अपने आप? मंडी वाले खुद कराते हैं या जमा तारा तक कूड़ा उठा के ले जाता है? वो ले जाते हैं। साफ सफाई होती है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। साफ सफाई होती है सर, होती है यहाँ पे। और क्या क्या दिक्कतें क्या है यहाँ पर आपको? दिक्कत है कोई नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है यार। ये तो फिर तो दिल्ली का क्या, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा एरिया होगा अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो। दिक्कत में कैसे बताऊँ, दिक्कत है नहीं, मतलब कहने का ये है कि मुद्दे हैं जो पार्षद का चुनाव हो रहा है। हाँ जी, आप लोगों की नज़र में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या ऐसा काम है जो होना चाहिए? क्या ऐसा काम है जो होना चाहिए? होना चाहिए, हमारी मंडी पक्की हो जाए, हमारी मंडी पक्की हो जाए, बदलाव आना चाहिए। हाँ, तब आप कैसे कह रहे हो कि बहुत दिक्कतें कुछ नहीं है? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की होनी चाहिए, हो जाएगी। अच्छा चलिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मंडी पक्की होनी चाहिए, यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा इलाका है। फिलहाल अभी साफ़ सुथरा सा लग तो रहा है, लेकिन सफाई होती है नहीं। विजी मंडी में आप रोज आते हैं क्या? नहीं नहीं है, अब 1 साल बाद 1.5 साल बाद। साफ सफाई लग रही है, कुछ दिख रहा है? पहले से अच्छी है। साल भर के बाद आए हैं सरदार जी, इसलिए लग रहा है कि पहले से अच्छी है। लेकिन अभी क्या हालात हैं ये आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त मंडी का आगे फ्रूट का भी मार्केट है, पीछे सब्जी मंडी है। फिलहाल साफ़ सफाई की ज़रूर लगी है, यहाँ पर ड्रम ज़रूर रखे गए हैं, यहाँ पर लोगों को ये दिखाने की ज़रूर कोशिश की गई है कि काम यहाँ पर होता आया है, साफ़ सफाई होती है, कूड़ा उठता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा होती है। क्या सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव का बात है जो चुनाव के सामने रखती है? भैया कैसे साफ सफाई हो रही है यहाँ पे अब डेली? नहीं हो रही है, नहीं आप नहीं देखते हो क्या? नहीं मैं आज पहली बार। तो यार दिख रहा होगा ना आपको साफ सफाई हुई है? साफ सफाई है, यही बताएंगे, यही आएंगे। चलो ताऊ कौन से हैं आपके? अरे ताऊ तो सारी चीजें बता देंगे, आप लोग भी तो बताओ कुछ। जमा किया है, ये किया है, देखिए अब कोई साफ सफाई, तो अब ये खुद किया है तो ये ताऊ कैसे बता देंगे? नहीं ये ताऊ रह रहे हैं ना, बचपन से कहते हैं साफ सफाई करो। क्या अब मेरी बात होती है? नहीं होती साफ सफाई, नहीं होती। तो आज मंडी वाले कह रहे हैं नहीं होती, आप कह रहे नहीं होती। ये देखो ना हमने साफ सफाई ऐसी, वो खाली भरा हुआ कूड़ा उठा के लेके जाती है। अच्छा, झाड़ू नहीं लगता है? नहीं झाड़ू लगती कुछ नहीं। आपको लंबे टाइम से यहाँ पर क्या काम नहीं होता है क्या झाड़ू? नहीं अभी 2-3 साल से नहीं होता है, झाड़ू नहीं लगता है। पहले झाड़ू लगता था, पहले पुराने जो जमादार थे, अब नए वाले नहीं लगाते, नए आए हैं जो वो नहीं लगाते हैं, वो नहीं लगाते नहीं। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? अब किसको शिकायत किया, पहले प्रधान जी ने किसी को बुलाया था कि चेंज कर देंगे, तो वो दोबारा चेंज हुआ ही नहीं, पुरानी है जो है। अच्छा इस बार पार्षद के चुनाव में क्या मूड क्या है पब्लिक का, क्या लग रहा है कि किधर इस वक्त इस करवट में? नहीं बता सकते कुछ आइडिया? नहीं नहीं, इसके बारे में हम तो अपनी मर्जी के मारे इस बारे में हमने बता नहीं सकते। आपको आप अपनी मर्जी से ही बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये जो है बदलाव होना चाहिए। नहीं, नहीं बदलाव तो होना, परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, जरूरी है। हाँ चलिए, बदलाव जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मायने रखती हैं, क्योंकि वक्त के साथ बदलना भी ज़रूरी है। सोचा समझा और परखा, अब उसके बाद जिस तरीके से निकल कर आया यहाँ पर पब्लिक का मूड, देखना ये था कि आखिर जनता नाराज तो नहीं है, देखना ये था कि 5 साल में पार्षद ने कितना काम किया, देखना ये था कि पब्लिक का मूड क्या है। तो आपने देखा किस तरीके से क्या है पब्लिक का मूड। अगले एपिसोड में फिर एक बार हम हाजिर होंगे और दिखाएंगे एक नए वार्ड की कहानी,
तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। साफ सफाई तो होती है, कम होती है, उतनी सफाई नहीं हो रही जितनी पहले हो करती। साफ सफाई नहीं होती है? होती है, ऐसा नहीं मतलब ऐसे कि पूरी तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। सफाई वगैरह होती है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल होती है। ऐसी वो खाली भरा हुआ कूड़ा उठा के लेके जाती है। अच्छा। हाँ वालों नहीं लगता है? नहीं झाड़ू लगती किसी ने।